दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, चाहे इंडिया की बात करूँ चाहे आउट ऑफ इंडिया की बात करूँ। और जिस हिसाब से कंडीशन है, ग्लोबल वार्मिंग, पेट्रोल की कीमतें, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर ही इलेक्ट्रिक है। और अभी एक रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि अब इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार आ गई है कि आप उसे आईफोन की कीमत में ले सकते हो। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा, अगर आप लोग भी थोड़े से इंटरेस्टेड हो कि हाँ ऐसी कौन सी गाड़ी है भैया वो भी इलेक्ट्रिक कि हम आईफोन की कीमत में ले सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो एक कंपनी है रीगल रैप्टर मोटर्स, उसका जो ब्रांड है इलेक्ट्रिक कार, उन्होंने वर्ल्ड की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार K5 की सेल स्टार्ट कर दी है, वो भी चाइना के अंदर। अगर मैं वर्ल्ड की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की कीमत की बात करूं तो चीन में कंपनी इसे $2100 में बेच रही है, मतलब इंडियन रुपीज की बात करूं अगर मैं तो ये 1.5 लाख रुपए के आसपास हो गई। लेकिन अगर कोई इसे बल्क में खरीदता है, मतलब 9 यूनिट से ज़्यादा खरीदता है या 9 यूनिट खरीदता है, तो ये आपको $1800 की पड़ेगी, मतलब इंडियन रुपीज की बात करूँ तो ये 1,30,000 के आसपास पड़ी। अगर मैं फीचर की बात करूँ इलेक्ट्रिका K5 की, तो ये दिखने में कुछ कुछ टाटा नैनो की तरह लगती है। इस कार की जो लंबाई है वो 2.2 मीटर की है और चौड़ाई 1.09 मीटर की है। इसके अलावा इस कार की जो हाइट है वो 1.6 मीटर की है। अगर मैं इस कार की पावर की बात करूं तो इस कार में 800 वोल्ट की मोटर दी गई है जो कि 72 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, और ये बैटरी 8 घंटे में फुल चार्ज होकर एक सिंगल चार्ज पे 66 किलोमीटर तक चल सकती है। और इसके अलावा कार की जो टॉप स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना कम ड्राइविंग नहीं देती है तो हमें इसे तो बार बार चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसको चार्ज करने में आपको कितना समय लगेगा। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप दो तरह से चार्ज कर सकते हो। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में दी जाने वाली फास्ट चार्जिंग के जरिए कार की बैटरी को आप सिर्फ 1 से 2 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो। इसके साथ ही स्लो चार्जिंग के जरिए कार की जो बैटरी है फुल चार्ज होने में 6 से 7 घंटे का समय लेती है। तो इस इलेक्ट्रिक कार को लेकर सबसे बड़ा जो सवाल है, इलेक्ट्रिक कार को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि सिंगल चार्ज पे वो कितने किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। ये सब कार के अंदर लगी बैटरी और कार के चलाने पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। आमतौर पर 15 किलोवाट की जो बैटरी है वो 100 से 150 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। अगर मैं इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट की बात करूँ तो जो करंटली अभी अवेलेबल है वो सिंगल चार्ज पे 300 से 350 किलोमीटर की ड्राइविंग नहीं देती है। वर्ल्ड की नंबर वन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो सिंगल चार्ज पे 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग नहीं देती है। तो अब वर्ल्ड की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च हो चुकी है जो कि इलेक्ट्रिक कार K5, मगर ये सिर्फ अभी चाइना में अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है और मेरे ख्याल से इंडिया में आएगी भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। बाकी इस वीडियो से इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।